नमस्कार, ज्ञान न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अदिति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नागरिकता संशोधन बिल पर विपक्षी दलों द्वारा भ्रामक प्रचार करने पर जनता को सही संदेश देने आए भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा। सिकंदराबाद के सम्राट मैरिज होम में आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्होंने नागरिकता बिल के सच्चाई बयान किया है। इसके साथ ही विधायक बमला सोलंकी ने भी जनता को जागरूक किया। इस मौके पर एडवोकेट मोहम्मद असलम ने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और इटवा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नागरिकता कानून पर सहमति पत्र डॉक्टर महेश को सौंपा है। उसके बाद भाजपा के युवा मोर्चे के जिला उपाध्यक्ष सचिन शर्मा के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता पत्रकारों से रूबरू हुए। हमारे उचित प्लेटफॉर्म एक समुदाय विशेष के अंदर एक भ्रम की स्थिति ये भी है कि अगर एनआरसी लागू होती है तो एनआरसी से जो लोग अपने कागजात नहीं दिखा सकेंगे वो एनआरसी से बाहर कर दिए जाएंगे। हिंदू बाकी जो गैर मुस्लिम समाज के लोग होंगे उन्हें सीए के जरिए वापस कर दिया जाएगा, सीए के जरिए वापस कर दिया जाएगा। लेकिन एनआरसी से जो मुस्लिम समुदाय के लोग बाहर होंगे उनके लिए क्या सरकार क्या करेगी? देखिए, कहा गया पूरी क्लियर शब्दों में कहा गया है कि जो 130 करोड़ देशवासी इस देश में रह रहे हैं वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो सिख हैं, ईसाई हैं, यह बिल उनके लिए नहीं है। जो कोई अवैध रूप से आए हुए हैं या और किसी धर्मावलंबी आना चाहते हैं और ये जो बिल है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, आगे आने वालों के लिए नहीं है बिल। ये बिल दिसंबर 2014 से पहले के लिए, तो इसलिए उससे पहले कोई भी जाति का धर्म का व्यक्ति रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, उसकी स्वीकार की जाए। अब जो आगे आएंगे हाँ उनको इस वो नहीं आ पाएगा। सीए के लिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं सबसे, सीए से जुड़ा एक सवाल है जेएनयू के अंदर जो हिंसा हुई, एक न्यूज चैनल के स्टेम ऑपरेशन के मुताबिक उसमें एबीवीपी के छात्र उस हिंसा को भड़काने में रहे हैं, वो एक स्टेम ऑपरेशन में कबूल किया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज के अखबारों के पन्ने के अगर पहली पेज हम पढ़े तो वहां बाकायदा रिकॉर्ड में क्या है, वहां की अध्यक्ष आईसी घोष खुद हिंसा के अंदर से फोटो समेत आपके सामने आया है, आज के फ्रंट पेज की खबर है। और जेएनयू एक शिक्षा का मंदिर है, जेएनयू राजनीति का अड्डा नहीं बनना चाहिए। कुछ लेफ्टिस्ट पार्टियां भड़काकर भावनाओं को आगे बढ़ाकर, क्या वही जेएनयू नहीं है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? क्या शर्म नहीं है, कलंक नहीं है जेएनयू पर? कौन समर्थन दे रहा था इसको? क्या हम ये स्वीकार कर सकते हैं? आजादी किससे आजादी चाहिए? आजादी आपका प्रधानमंत्री गरीबी से आजादी दिलाना चाहता है, आपका प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से आजादी दिलवाना चाहता है, क्या भारत एक आजाद देश नहीं है? कौन लोग हैं जो आजादी चाहते हैं? टुकड़े टुकड़े गए के जो देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं वो लोग, ये राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है और ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। और अब ये सिद्ध हो गया है कि स्वयं उस संस्था की आईसी घोष उस हिंसा के अंदर फोटो समेत पकड़ी गई है, ये उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखी है। स्टिंग ऑपरेशन में कबूल नाम आते उस पर कुछ प्रतिक्रिया? कहां छात्र है, वो छात्र किसी विचारधारा के हैं, एबीवीपी के हैं, कोई कौन सा व्यक्ति किस रूप में बनकर किसके सामने क्या बोल रहा है, ये जांच का विषय है। एबीपी ने तो मना कर दिया ना, हमारे चाहिए।